दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे जीमेल आईडी का पासवर्ड कैसे पता करें। अगर आप जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल चुके हैं और आप जीमेल आईडी का पासवर्ड पता करना चाहते हैं तो कैसे आप जीमेल आईडी का पासवर्ड पता कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना। तो अगर आप लोग जीमेल आईडी का पासवर्ड पता करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्ले स्टोर के अंदर जो भी आपका जीमेल आईडी लॉगिन होगा वो जीमेल आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग जीमेल आईडी का पासवर्ड पता करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जीमेल आईडी के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना। जैसे आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिक्योरिटी का, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको लास्ट में चले जाना। जैसे आप लोग लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पासवर्ड मैनेजर का, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट होंगे सभी सोशल मीडिया अकाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ से आप सभी सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जीमेल आईडी का पासवर्ड पता करना। तो अगर आप लोग जीमेल आईडी का पासवर्ड पता करना चाहते हैं यहाँ पर आपको google.com पर क्लिक कर देना और यहाँ पर जो भी पैटर्न लॉक या तो जो भी फिंगरप्रिंट लॉक आपने अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लगा रखा है उसको आपको यहाँ पर लगा देना। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी जीमेल आईडी लॉगिन होंगे वो सभी जीमेल आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ से आप जीमेल आईडी का पासवर्ड पता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जीमेल आईडी देखने को मिलेगा और यहाँ पर जीमेल आईडी के नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ से पासवर्ड को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है आई का आइकन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आई वाले आइकन पर क्लिक करना और जैसे आप लोग आई वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो भी जीमेल आईडी का पासवर्ड होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको पासवर्ड को नहीं दिखा सकता। ठीक है, इस तरीके से जो भी जीमेल आईडी का आपको पासवर्ड देखना वो जीमेल आईडी के नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड देखने को मिलेगा और यहाँ से आप लोग पासवर्ड को देख सकते हैं और यहाँ से आप लोग पासवर्ड को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोग जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से आकर जो है आप लोग जीमेल आईडी का पासवर्ड पता कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको जीमेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता चल पाता तो यहाँ पर आपको बैक आ जाना। इस तरीके से आपको बैक आ जाना। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आपको जीमेल का आइकन दिख रहा है आपको जीमेल वाले आइकन पर क्लिक करना और अगर आपने अपने फ़ोन में एक से अधिक जीमेल आईडी को लॉगिन करके रखा है तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरो दिखेगा। यहाँ पर जो छोटा सा एरो दिख रहा है आपको इस एरो के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर जो सेकंड जीमेल आईडी है यहाँ पर आपको सेकंड जीमेल आईडी को लॉगिन कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर दोबारा से आपको जीमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर आपको गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर दोबारा से इस तरीके से स्क्रॉल करना और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको लास्ट में जाना और यहाँ पर पासवर्ड मैनेजर पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग पासवर्ड को पता कर सकते हैं। और इस तरीके से आपके फ़ोन में जितने भी जीमेल आईडी लॉगिन है सभी जीमेल आईडी को आपको बारी बारी से स्विच करना और यहाँ पर आपको पासवर्ड को चेक करना और इस तरीके से आप लोग जीमेल आईडी का पासवर्ड पता कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आपको जीमेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता चल पाता तो यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे कि आप लोग जीमेल आईडी का पासवर्ड पता कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना और यहाँ पर जो आपको जीमेल आईडी दिख रहा है आपको जीमेल आईडी के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर जो छोटा सा एरो दिख रहा है आपको इस एरो पर क्लिक कर देना और यहाँ पर जो भी जीमेल आईडी का आप पासवर्ड पता करना चाहते हैं उसी जीमेल आईडी को लॉगिन कर लेना। जैसे यहाँ पर हमें दूसरे वाला जीमेल आईडी का जो है पासवर्ड पता करना तो यहाँ पर मैं दूसरा वाला जीमेल आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर दोबारा से आपको जीमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर आपको गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर फिर से आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना। ठीक है, और यहाँ पर आपको इस तरीके से नीचे जाना। जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पासवर्ड का, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, एंड यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जीमेल आईडी देखने को मिलेगा। और अगर आपको जीमेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना। और जैसे आप लोग फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को लगा कन्फर्म यूआर स्क्रीन लॉक, यहाँ पर आपको कन्फर्म यूआर स्क्रीन लॉक पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना और यहाँ पर जो भी पैटर्न लॉक या तो जो भी फिंगरप्रिंट लॉक आपने अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लगा रखा है उसको आपको यहाँ पर लगा देना। ठीक है, और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको एक न्यू पासवर्ड टाइप करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड को टाइप कर देना और यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड को टाइप किया उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर भी टाइप कर देना और यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना। और जैसे आप लोग चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपके जीमेल आईडी का पासवर्ड होगा वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना।
और यहाँ पर आपको नीचे जाना और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बैक आ जाना, यहाँ पर आपको बैक आ जाना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जीमेल आईडी का जो पासवर्ड है उसको आप लोग पता कर सकते हैं। और अगर जीमेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता चल पाता तो आप लोग जीमेल आईडी का जो पासवर्ड है उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। आशा करते हो कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन देखने को मिलेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो उसके बगल में बेल का आइकन देखने को मिलेगा उस पर क्लिक करके ऑल पर सर दीजिए ताकि नए वीडियो देख पाए सबसे पहले।